Thank you very much for coming. We just want to take a short time. आप सबको अपडेट करना चाह रहे हैं. एम डी कैट का एग्जाम कंप्लीट हो गया है. रिजल्ट्स आर आउट. टोटल नंबर 125,663 हैड रजिस्टर्ड. 121,621 सैट द एग्जाम. 67,924 55.85% हैव पास्ड गेटिंग मोर देन 60%. ये वो बच्चे हैं अब जो के क्वालिफाई कर गए हैं टू गेट एडमिशन किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग प्राइवेट पब्लिक ऑल कैटेगरीज. इनके अलावा कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में नहीं एडमिट हो सकेगा. एज यू आर अवेयर देयर वाज अ स्लाइट इशू. रिजल्ट हमने 16 तारीख को रिलीज किया. उसके बाद हमने वो रिजल्ट ऑफलाइन कर दिया, उसकी रीवेरिफिकेशन करवाई एंड देन इट वाज ब्रॉट बैक ऑनलाइन यस्टरडे. उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाई वी हैड टू डू दैट. रिजल्ट अप करने के बाद विद इन अबाउट 8-10 आवर्स हमारे पास कंप्लेंट्स आ गई, कोई तकरीबन 300 के करीब, जिसमें बच्चों ने कहा कि जी हम एबसेंट मार्क हो रहे हैं रिजल्ट में, मगर हम बैठे थे एग्जाम में तो हमारा रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा उससे. उसके अलावा हमारे पास कोई तकरीबन कोई 40 के करीब कंप्लेंट्स आ गई बच्चों की कि जी मेरा रोल नंबर सही है बट नाम मेरा सही नहीं आ रहा उसके सामने. सो वी इमीडिएटली डिसाइडेड के द बेस्ट थिंग इज डाउन करें, इसको ऑफलाइन करें एंड इसको हमसे रीवेरीफाई कर दें. जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज कंप्लीटली कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम था. ये आपका जो पेपर था OCR मशीन पे चेक हुआ, उसी से काउंटिंग हुई, स्कोरिंग हुई एंड थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम सारा का सारा रिजल्ट बन गया. व्हेन वी रीवेरीफाइड, बिकॉज बात सामने थी कि बच्चे एब्सेंट आ रहा था, रिजल्ट में एब्सेंट बिल्कुल लिखा था मगर वो बच्चे एग्जाम में बैठे थे, तो उसको हमें फिजिकली अब ऑफलाइन करके फिजिकली वेरीफाई करना पड़ा. समझ आ गई उसमें एरर क्या था. कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हर चीज नहीं सोची जा सकती, वो कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रॉब्लम आया. इसेंशली हुआ बड़ा सिंपल, ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली 650 केसेस थे आउट ऑफ 121,000 में से ये 600 केसेस थे. ये वो बच्चे थे जिन्होंने अब जो अपनी आंसर शीट होती है उसके ऊपर रोल नंबर गलत लिख दिया. सो मेरा रोल नंबर 123 था, एक बच्चे का रोल नंबर 124 था. मैंने 123 लिखा, उस बच्चे ने भी गलती से अपनी आंसर शीट पे 123 लिख दिया. कंप्यूटर ने जब पेपर चेक किए, उसने दो पेपर चेक किए, दोनों को स्कोर किया मगर दोनों का रोल नंबर 123 था. उसने जो मैच किया अपने सिस्टम में कि 123 का नाम क्या था रजिस्ट्रेशन में, उसने उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया. जो दूसरे बच्चे का गलत रिजल्ट आ गया वो उसने साइड पर रखा, और 124 का क्योंकि अब उसके पास रिजल्ट नहीं आ रहा था उसने एब्सेंट कर दिया, ये कंप्यूटर ने किया. सो हमें जाके हमने बिल्कुल वो सारे बच्चों के रिजल्ट्स निकाले वापस, हमने उनके एडमिट कार्ड्स निकाले, उनकी रजिस्ट्रेशन निकाली, मैच किया एंड देन द रिजल्ट्स वर पुट बैक अप. उसके अलावा तकरीबन कुछ केसेस हमारे पास थे जिन्होंने कहा कि हमारे नाम का फर्क आ रहा. वहां पे भी अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट होता है इम्तिहानों में, और आई थिंक 121,000 में से अगर 100-150 बच्चा ये कर दे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उनका जो रजिस्ट्रेशन हुई तो रजिस्ट्रेशन CNIC के हिसाब से होती है. CNIC के हिसाब से नाम था मोहम्मद अली रजा, लेट्स से मैम, बट जब मैंने अपनी वो आंसर शीट पे लिखा तो मैंने अली रजा लिख दिया. कंप्यूटर इमीडिएटली उसको कहता है कि नहीं ये तो मैच नहीं कर रहे. तो उन्होंने कंप्यूटर ने यह किया कि हमने उसको ऑप्शन ये दी थी, कंप्यूटर में डाला हुआ था सिस्टम में कि भाई जो भी बबल शीट के ऊपर यानी आंसर शीट के ऊपर आएगा वो उसने प्रोड्यूस करना है. उसने वो प्रोड्यूस कर दिया, मैच अनमैच हो गया नाम. वो भी हमने सिस्टम ठीक कर दिया. वो तकरीबन 150 के करीब केसेस थे, उन बच्चों की भी कंप्लेंट्स हैव बीन रेक्टिफाइड. इस प्रोसेस में हमारे पास कुछ और कंप्लेंट्स आई. कुछ बच्चों ने हमें कहा कि जी वो हमें 14 नंबर नहीं मिले. कुछ ने कहा कि जी वो पता नहीं हमारा डी पेपर था, हमारा बी पेपर था, ये हो गया वो हो गया. वो भी हमने कहा जी वो भी हम चेक कर देते. तो इसलिए असल में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हमने लगाया, 36 घंटे अप्रॉक्सीमेटली हमें लगे. हमने पूरी रिवेरिफिकेशन कर दी, तो वो पूरे इम्तिहान की हमने एक्चुअली रीवेरिफिकेशन भी कर डाली है.
एंड वी कैन कॉन्फिडेंटली नाउ स्टेट के इम्तिहान इज नाउ एक्सेलेंट रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट है. वी आर हैप्पी टू हैव एनीबडी हैव इट रिकाउंटेड. बेसिक इशू यह है कि बच्चों को दो तीन कन्फ्यूजन है, वो मैं दूर कर दूँ. सबसे पहले हमारे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जी हमने खुद ही पेपर अपना चेक किया है, जो उनके पास पेपर था नहीं, बट हमने चेक किया है और हमने रिजल्ट निकाला है. ये हमें मिले, ये अकेडमीज ने अजीब और गरीब अपने हाथ से बनाई हुई सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर दिए हैं और इन बच्चों को भेज दिए हैं और इनको कहते हैं ये कीज है. ये बिल्कुल गलत काम है, ये इलीगल काम है और ये फ्रॉड है इन बच्चों के साथ. ये अकेडमियां हैं, ये वो अकेडमियां हैं जो इन बच्चों से पैसे लेती हैं पहले इनको पढ़ाने के लिए, उसके बाद इनको ये कीज बना के दे देती हैं और इन बच्चों को बेचारों को प्रेशर में डाल रही हैं. ये बच्चे इन तरह की कीज इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि जी हमारा नंबर तो 180 होने चाहिए थे, रिजल्ट में आ रहा है 160 होने चाहिए थे. जो पेपर दिया है वो एग्जैक्टली चेक हुआ है, वो हमने उसकी वजह से एक और काम किया है, हमने फॉर्म लगा दिया है. 6,000 हमारे पास, ये 5,000 एप्लीकेशन आ भी गई हैं एक दिन में, 10,000 हो गई, अब 10,000 हो गई. हमने खुली छुट्टी दे दी हर बच्चे को कि जी जो मर्जी बच्चा अपना इम्तिहान का पेपर रिकाउंट कराना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं. मेरी तरफ से 1,21,000 चेक करवाना चाहता है करवा ले. दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट वी आर. 1,21,000 चेक करवाना चाहता है आके रिकाउंट करवा ले, फ्री में कर रहे हैं, ये भी हम अश्योरिटी दे रहे हैं. So, और इसकी वजह से दे रहे, सिर्फ इसकी वजह से दे रहे कि आज के बाद ये अकेडमीज और ये लोग जो ज्यादतियां कर रहे हैं बच्चों के साथ, ये बंद करें, इन बच्चों को गलत फहमियों में मत डालें. इम्तिहान है, दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि एमसीक्यू के पेपर को इस तरह से खोला जाता है, बट हम कर रहे हैं ये ताकि ये कल्चर खत्म हो जाए फ्यूचर के लिए. और इन बच्चों को अपने इम्तिहान पर अपना हौसला होना चाहिए, हमने पेपर दिया जो भी रिजल्ट है वो सही है, सिंपल बात यह. दूसरी चीज, इसके अलावा बच्चों ने कहा कि जी आपने हमें 14 नंबर नहीं दिए. मैं 14 नंबर भी एक्सप्लेन कर दूं क्या था. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. जब भी आप एमसीक्यू का इम्तिहान देते हैं उसके बाद एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस होता है, जब पेपर्स चेक हो जाते हैं उसके बाद एक एनालिसिस होता है, लोग बैठते हैं. बहुत मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं, एम्बिग्विटी इंडिकेटर्स होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेंटर्स होते हैं. कोई सवाल है, 90% बच्चों ने गलत जवाब दे दिया, सवाल ठीक है, 90% बच्चों ने गलत दे दिया, वो सवाल फौरी निकाला जाता है, कमेटी बैठती है उसको कंसिडर करती है कि ये सवाल फॉर्मेट किस तरह हुआ है, क्या ये जिस तरह से लिखा गया था क्या इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, कोई एम्बिग्विटी आ गई है जिसकी वजह से 90% बच्चे गलत कर गए, वो कंसिडर किया जाता है. अगर कमेटी ये फील करती है एक्सपर्ट्स की कि हाँ इसके अंदर कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो गए कि एम्बिग्वस हो गया, वो क्वेश्चन निकाल दिया जाता है. आज तक आपने जितने इम्तिहान देखे होंगे किसी ने आपको खुल के एग्जामिनिंग बॉडी ने नहीं बताया कि पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में क्या किया गया, हमने वो भी आपको खोल दिया. 14 सवाल हमें मिले 29 नवंबर के इम्तिहान में, जिसको बेस्ड ऑन जो जवाब दिए थे बच्चों ने वो एम्बिग्वस कैटेगरी या डिस्क्रिमिनेटरी कैटेगरी में आए, उनको हमने निकाल दिया. निकालने के बाद हर बच्चे को वो 14 नंबर दे दिए गए, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए. ये कंफ्यूजन है, बच्चे समझ रहे हैं ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए सब बच्चों को, क्योंकि एक ही लेवल पे ला रहा था. सारे 14 सवालों के 14 नंबर हर बच्चे को दे दिए गए, ये किया गया. 13 का जो इम्तिहान हुआ उसका भी पोस्ट एग्जाम एनालिसिस हुआ है, उसमें 7 सवाल हैं जो निकाले गए, सब बच्चों को 7 नंबर दे दिए गए. सो एवरीबॉडी इज ऑन द सेम लेवल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. दूसरा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, और ये ज्यादातर सोशल मीडिया पे अगेन ये अकेडमीज वगैरह कर रही हैं कि जी वो मेरा पेपर डी था मेरा पेपर सी था. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो पेपर सवाल 200 के 200 वही थे, मगर एक एग्जामिनेशन हॉल में 4 मुख्तलिफ पेपर्स बनाए गए थे, सवाल मिक्स किए जाते हैं, उसी ऑर्डर में नहीं चलते हैं. तो मेरे पास एक फॉर्म का होता है, इनके पास एक और होगा उनके पास, ताकि चीटिंग ना हो सके. मैं अपना पेपर अगर किसी को दिखाऊंगा उसको ये नहीं पता चलेगा किस नंबर का जवाब वो दे रहा है. दैट्स कॉल्ड ABCD. 200 के 200 सवाल वही हैं, सिर्फ नंबर आगे पीछे किए जाते हैं. सो देर इज नो इशू वहां पे कि कोई उसमें भी प्रॉब्लम आई है. वी हैव नाउ चेक द एग्जामिनेशन, दैट इज डन, MD CAT इज आउट, द रिजल्ट्स आर आउट. हम आज हमने सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एंड फेडरल गवर्नमेंट को, दैट इज डन, MD CAT इज आउट, द रिजल्ट्स आर आउट. हम आज हमने सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एंड फेडरल गवर्नमेंट को
रिजल्ट्स भेज दिए, क्योंकि उनकी पब्लिक एडमिशंस होनी है, नाउ दे कैन यूज इट फॉर द पब्लिक एडमिशंस। हमने नाम्स को भी दे दिया है, हमने आ खान को भी भेज दिया है कि वो भी अपने बच्चों का भी SMD कैट की बेसिस पे एडमिशंस कराएंगे। बकिया जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका सेंट्रल एडमिशन पोर्टल इंशाल्लाह कल खुल जाएगा, सो चिल्ड्रन कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल। ये एडमिशन प्रोसेस चलेगा 14 तारीख तक। पब्लिक सारे कॉलेजेस को अपनी एडमिशंस कंप्लीट करनी है, जैसी वो करेंगे 15 से इंशाल्लाह प्राइवेट कॉलेजेस की मेरिट्स खुल जाएंगी, वो अपनी एडमिशंस उनको क्लोज करनी है, उनके पास भी 2 हफ्ते होंगे, ताकि ये फरवरी में दी एडमिशंस आर कंप्लीटेड और उसके बाद हम लोग आगे चल सकें। सिंपल एक कंसर्न था कि MD कैट का जो ये है पेपर बहुत मुश्किल है या आसान है, वो तो एक बात सामने आ गई, 67,924 have passed in Pakistan, so that's a very high number, that's more than 55%, so ये तो इशू आई थिंक इज नाउ बीन पुट टू बेड। दूसरी चीज ये है कि देखिए 18,500 टोटल मेडिकल डेंटल सीट्स हैं पाकिस्तान में, 67,900 बच्चे पास हुए, इसका मतलब है कॉम्पिटिशन लेवल पर सीट इस वक्त देयर इज मोर देन 3 स्टूडेंट्स फाइटिंग फॉर 1 सीट, एंड आई थिंक दैट्स वॉट वी वॉन्टेड, कॉम्पिटिशन, बट कॉम्पिटिशन एट द बेस्ट क्वालिटी लेवल्स। एक और एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग 2-3 दिन के बाद पब्लिक कर देंगे, आप लोगों को भी दे देंगे। वी आर डूइंग अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ प्रोविंशियल वाइज ऑल्सो एंड रीजनल वाइज, ताकि ये भी लोगों को नजर आ जाए कि हर प्रोविंस ने क्या किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, उनके बच्चों ने किस तरह से किया है, क्योंकि आप ये ख्याल रखिए नेशनल लेवल के ऊपर दिस इज द ओनली एग्जाम एट नेशनल लेवल राइट आफ्टर सेकेंडरी स्कूल, तो ये आपको एक अंदाजा दे देता है कि सेकेंडरी एजुकेशन आपकी हर जगह पे क्या है। मैं आपको एक चीज बता दूं, गिलगित बल्तिस्तान माशाल्लाह वाज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी, ओवर 70% पास्ड, दैट्स अ वेरी वेरी हाई मार्जिन फॉर गिलगित बल्तिस्तान, यू नो दैट्स व्हाट वी नीड टू सी। AJK अगेन वेरी हाई पास परसेंटेजेस, सो वो हम उसकी स्टडी करके आप सबके हवाले कर देंगे। इसके अलावा आखिरी चीज जो एक और है वो ये है कि बिफोर आई गो फर्दर जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस एंड बिफोर आई इंट्रोड्यूस ऑल्सो थैंक हमारी जो टीम थी इसमें इन्वॉल्व थी, मेंबर जो हमारे एग्जामिनेशन हैं डॉक्टर गाजी साहब ही जॉइंड अस, मेंबर IT रजा शाह साहब एंड आर एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड ऑल्सो मेंबर एजुकेशन मोइन अली साहब। आई ऑल्सो लाइक टू थैंक के नम्स के वाइस चांसलर साहब और प्रो वाइस चांसलर हु हेल्प्ड अस इमेंसली बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ आर टीम, एंड ये इन सब की वजह से ये एग्जाम हुआ जिस तरह से हुआ है माशाल्लाह एंड कंप्लीट हो गया है एंड द रिजल्ट्स आर आउट। सो दीज आर द टीम्स नाउ वर्किंग, हम लोग मोर और लेस अब आज के बाद डिफॉल्ट में बैठे हैं यहाँ पे, मगर बेसिक चीज़ ये है जी कि इस MD कैट से हमने सीखना है, एंड वन थिंग द काउंसिल एज अ काउंसिल वी हैव ऑलरेडी एडवाइज द एकेडमिक बोर्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर उन्होंने बनाना है इंशाल्लाह अगले साल के MD कैट का, लुकिंग एट द रिजल्ट्स वी हैव सीन वी हैव एडवाइज देम कि जी अगले साल से वी वुड लाइक एन MD कैट विच इज ऑनलाइन एंड इंटरनेशनली अवेलेबल, and it should be a proper assessment based program rather than just FSC curriculums. Hame medical school mein wo bacche aptitude ke hisab se lane hain jo ke medical program survive kar sake, jinko shauk bhi ho aur aptitude bhi ho. It's one of the most difficult programs to get through undergraduate level, so inshallah isko we will use as the base to develop the future MD cats, and that hopefully will be online. So 125,000 छोड़िए, मेहता से 2.5 लाख बच्चे इंशाल्लाह आके MD कैट अटेम्प्ट करें। इट्स अ रिजल्ट फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि मैं जाऊं मेडिकल स्कूल या ना जाऊं, वो भी एक जरूरी है असेसमेंट करना, तो ये है जी। एंड उसके अलावा जस्ट टू लेट यू नो बिकॉज इट वॉज अ नेशनल लेवल एग्जाम एक हमने किया है इंशाल्लाह, वो मंडे को वी विल बी अनाउंसिंग द टॉप स्टूडेंट द फर्स्ट स्टूडेंट्स हु टॉप्ड द MD कैट। आई एम नॉट गिविंग द नेम्स टूडे बट टू माई अंडरस्टैंडिंग देयर 3 joint who topped, correct? Teen bache who jointly topped, so they will be presented to the public inshallah next week and they will be recognized for what their achievements also. ठीक है जी, आपने जिस तरह भी बताया काम के हवाले से, इम्तिहान से कबल भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने ये खदशात का इजहार किया था कि NAMS का लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस था वो ठीक नहीं था, NTS का एक्सपीरियंस ठीक नहीं था, उसके बावजूद आपने यकीन दानी कराई नहीं जी 100% रिजल्ट ठीक होगा, लेकिन उसके बावजूद ये कैसे हो सकता है कि जो बच्चा 12 साल इम्तहान दे रहा है और वो सैकड़ों की तादाद में अपना रोल नंबर गलत लिख देंगे, ये कैसे मुमकिन है?
1,21,621 बच्चों में से 600 कुछ बच्चों से ये गलती हुई है। ये नॉर्मल बात है, ये कोई इतनी हाई परसेंटेज नहीं है, बहुत छोटी परसेंटेज है। और ये आप प्रिजम्प्टिव बात कर रहे हैं कि जी जो 12 साल से कर सकता है वो गलती कर सकता है, इंसान है, आप भी गलती करते हैं, मैं भी गलती करता हूँ, तो बच्चा भी गलती कर सकता है, ऐसी कोई इसमें हो नहीं पाती है। इट्स बीन चेक्ड, यही वजह थी, कंप्यूटर जनरेटेड था, इसका ना नम से कोई ताल्लुक है ना एनटीएस से कोई ताल्लुक है। नेक्स्ट वीक, कंप्यूटर जनरेटेड था, इसका ना नम से कोई ताल्लुक है ना एनटीएस से कोई ताल्लुक है। नेक्स्ट वीक, रीचेकिंग नहीं जी, रीकाउंटिंग। एमसीक्यू का इम्तिहान रीकाउंट होता है, स्कोर होता है, रीचेकिंग होता है प्रोज का इम्तिहान। नहीं मेरी बात सुनिए, नो नो नॉट अ प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूं आपको 1,21,000 रिकाउंट करवाना चाहते हैं, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, देखिए एक बच्चा है उसने इम्तिहान दिया है, जिस बच्चे के 195 आए होंगे वो तो नहीं रिकाउंट करवा रहा ना, वो तो नहीं करवाएगा, ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज राइट। एक बच्चे ने वही पेपर दिया है उसके 100 मार्क्स, बिकॉज उसके 100 मार्क्स हैं उसको, ये देखिए नॉर्मल बात है, हम सब इंसान हैं, हम भी कर चुके हैं, हम भी इम्तिहान दे चुके हैं, जब आप अच्छा नहीं करते इम्तिहान में तो यू हैव टू ब्लेम समबडी एल्स, ठीक है। पेपर वही है, सब बच्चों ने दिया है, अगर 67,000 चिल्ड्रन हैव गॉट मोर देन 60%, सम हैवंट, ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हर बच्चा पास होगा और हर बच्चा 90% लेगा, आके चेक करवा लें अगर उनको शक है, मगर सवाल तो वही है, जवाब भी वही है, जो बकिया ने दिए हैं, जिसने 195 लिए हैं उसने भी वही सवाल के जवाब दिए हैं और उसको 195 मिले। तो अगर आपको 100 मिले तो इसका मतलब है कोई आपकी तरफ से कोताही है भाई, इम्तिहानों में होता है, कौन सा इम्तिहान है दुनिया में कि सब लोग 90% लेते हैं, ये कौन सी अनहोनी बात। कंसर्न क्या उनको होना चाहिए, सिर्फ सिंपल कि उनकी स्कोरिंग इतनी गलत हो गई है, रिकाउंट हो जाए कोई मसला नहीं, ये इशू होता है। सर आप एक्सप्लेन करें सारी चीजें, बड़ी ब्रीफली आपने बताई हर चीज, आपने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, कि मीडिया के लिए भी ऐसा पता रखे जिसको पता हो चीजें हो, जो आपकी तरह एक्सप्लेन करे हमें भी पता चले। जी जी, चूंकि आपने कहा कि कुछ टेक्निकल एरर हो सकते हैं, तो एक बच्चे ने ये लिखा कि एमडी कैट इम्तिहान और रिजल्ट प्रोसेस के दौरान पीएमसी के कुछ अफसरान करोड़पति हो गए। आगे पीएमसी के कई अफसरान ने स्टूडेंट से लाखों रुपए लिए इस टेक्निकल एरर के दौरान, और नालायक किस्म के स्टूडेंट्स को मार्क्स लेकर पास किया गया, इस पर एक तो आपका वोकअप मैं जानना चाहता हूँ। सरासर झूठ। और सर दूसरा ये आगे, कितना आपको यकीन है कि ये जो रिजल्ट या सारे ये प्रोसेस था ये कितना शफाफ था? 100%। मैंने अभी समझाया, जैसे आपने कहा कि ये ग्रेस मार्क्स नहीं है, ये ग्रेस मार्क्स नहीं, 14 सवाल थे, 7 सवाल थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक पर्चा है, एक पर्चा है उसमें 200 सवाल है, एक पर्चा। ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये जितनी एलिगेशंस है ना इस मुल्क में, हमारा प्रॉब्लम एक बन गया है, एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, बहुत आसान है उंगली उठा के कहना वो चोर है, उसने पैसे लिए, उसने ये किया, कोई एविडेंस नहीं, बस एलिगेशन लगा दी। हम तो यहां खड़े होकर दूसरी बात कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं जो हमने किया खुला है, आइए चेक कर लीजिए, बताइए। देखिए जिस आदमी ने गड़बड़ की होती है वो अपने आप को खोलता नहीं है, मैं तो इसीलिए रिकाउंटिंग खोल दी है, और इस रिकाउंटिंग का तो पहले 1,000 रुपए फीस थी, वो भी हमने जीरो कर दी है कि आओ चेक कर लो, कॉस्ट तो हम बेयर करेंगे, ये करते हैं। अगर कोई शक होता है इस पेपर में तो करते, सवाल ही पैदा होता। ये सब करोड़पति वरोड़पति ये अखबार की जीनत बना सकते हैं, ये सच्ची बात नहीं है, झूठ है, सरासर झूठ। 100% कॉन्फिडेंस है ऑन दिस पेपर एंड द रिजल्ट। आगे 14 मार्क्स 7 मार्क्स बड़ा सिंपल है, सिंपल कॉमन सेंस समझ लीजिए, 200 सवाल हैं, 200 सवाल का पेपर है, उसमें से 14 सवाल ऐसे
जो हमने खुद आफ्टर आर एग्जामिनेशन एनालिसिस, और बाय द वे ये हर इम्तिहान में होता है एनालिसिस, फर्क पता है क्या है? पहले बहुत सारी एग्जामिनेशन बॉडीज हैं जो आपको बताती नहीं, जो आपको पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस डिस्क्लोज ही नहीं करते, वो सिर्फ रिजल्ट देते हैं। ये सवाल आप कभी उठाएंगे नहीं किसी और के साथ, यहां पे उठाया जा रहा है क्योंकि हम लोग ट्रांसपेरेंसी फॉलो कर रहे हैं, वरना हम भी कर सकते थे। एग्जामिनेशन बॉडी है, हम कह सकते हैं कि नहीं जी हम नहीं बताएंगे, रिजल्ट आके बात खत्म, घर जाइए। नहीं किया ना, खोल दिया। खोला क्यों है? आइए तनकीद करिए, मगर फैक्ट्स पे रह के, ये हवा में ना स्टेटमेंट से, हवा की स्टेटमेंट्स नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, 200 सवाल थे, 14 सवाल हमने खुद निकाले। जब हमने 14 सवाल निकाल दिए तो इसका मतलब है बच्चों ने स्कोर किया 186 नंबर में से, दुरुस्त। 186 नंबर में से भी मैं ये कर सकता था कि जी ठीक है आपके जो 186 नंबर से नंबर आएंगे दैट इज योर परसेंटेज। अच्छा, अब उसकी अगर आपको परसेंटेज बनानी पड़ी तो मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स बता देता हूं, 5 अशारिया यानी 5 decimal नंबर्स तक का नंबर बन जाएगा। इन बच्चों का आगे मेरिट बनना है, जब आप 5 अशारिया डेसिमल नंबर बनाने शुरू कर देंगे मेरिट बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसके अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस का स्टैंडर्ड यह है कि या वो आप सवाल घटा दिए हैं तो वो नंबर गायब कर दें और उसको प्रोपोर्शनली कर दें मार्किंग, या जितने सवाल निकाले उतने नंबर हर बच्चे को दे दें, यानी कि हर बच्चे का सवाल का जवाब सही है, आप समझे। सो 14 नंबर दे दिए, सो एवरी चाइल्ड स्टार्ट्स विद 14 मार्क्स से वो स्टार्ट होता है और बाकी आपने 186 पेपर के सवाल उसके मार्क हो जाते हैं, उसमें से जो नंबर आगे बात खत्म। ये ग्रेस मार्क्स नहीं है, दिस इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कोई इसमें वो हमने कोई नई ईजाद नहीं की। अब आपके दो सवाल, जी किसको? काफी सारियों को, उस पर इंशाल्लाह वैसे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स भी दे दूंगा। अभी काउंसिल के एजेंडा में वो है, नेक्स्ट वीक काउंसिल मीटिंग इज टेकिंग दैट अप। जी शिराज सर, आपने खुद अपने मुंह से जो आजाद कश्मीर और जीबी के लोग हैं उनकी तारीफ भी की, और पिछले रमजान के अंदर कुछ लोगों ने एडी के भी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने आरएमडी के लिए अप्लाई किया तो आज तक वो टोकरी खा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनको परमानेंट। बताइए नंबर, बताइए नाम, बताइए नंबर, बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर है 5295। इस वक्त हम लोग ओवर 1000 लाइसेंसेज डेली निकल रहे हैं। मेरी अर्ज सुन लीजिए, पिछले रमजान का जब आपने जिक्र किया तो आप खुद सोच लीजिए आप क्या कह रहे हैं। मैं तो रमजान में नहीं था ना, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अक्टूबर में हम लोग आए हैं, वी हैड थाउजेंड्स ऑफ पेंडिंग फाइल्स, पेंडिंग वो निकाली है, बहुत सारों में कुछ चीजें मिसिंग है, कहीं आप नंबर लिखवा दीजिए, आई विल हैव इट चेक टुडे एंड यू विल नो टुडे। आपसे ले लेते हैं कॉन्फ्रेंस के बाद, फिर भी आपको वेरीफाई हो जाएगा। मेरिट के वाले से कहा कि मेरिट बहुत टफ होगा, तो प्राइवेट सेक्टर में जो मेरिट स्टूडेंट जाएंगे वहां उन्होंने 20% मार्क्स अपने इंटरव्यू के रख दिए, तो वहां मेरिट क्या करेगा? वहां तो काफी सारी चीजें पहले भी देखा गया प्राइवेट सेक्टर में, आगे भी नजर आ रहा है कि वो जब अगर वो उन्होंने अपने अलग से फंडिंग रख दी और वहां से उनको मार्क्स मिल गए इंटरव्यू के, तो जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो कहां जाए? मैंने पिछले, देखिए पहली बात, मैंने पिछले मेरे ख्याल में एक हफ्ते में कुछ नहीं तो तकरीबन 2000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे खुद मैसेज किया है ये वगैरह, मैंने उनसे बाकायदा बात की और जवाब भी दिया और यही सवाल का जवाब दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि बच्चों को समझ आ गई। देखिए प्राइवेट एजुकेशन, दुनिया भर में प्राइवेट एजुकेशन होती है, हमारे यहाँ भी प्राइवेट एजुकेशन है। आप जाके लम्स को या IBA को या प्राइवेट कॉलेजेस को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम ये करोगे ये करोगे ये करोगे, उन्होंने करना है, बट जिम्मेदारी भी उन पर डालें, जवाबदेह भी अब वो हैं। बच्चों मुझसे सवाल क्या कर रहे हैं, पहला उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी हम बात समझ गए, आपने फिक्स फी करवा दी है, डिक्लेयर करवा दी है, यानी कॉलेज की मर्जी है, कॉलेज अगर कहता है मैं 12 लाख लूंगा और 5 साल के लिए फिक्स्ड है तो ये फिक्स्ड है। अब बच्चे को ये पता है कि अगर मैंने कॉलेज ए में जाना है ये मेरी कॉस्ट आएगी, अगर कॉलेज बी में जाना है ये मेरी कॉस्ट आएगी, ये भी समझ आ गई, ये फिक्स कर दिया। दूसरा, अब उनको एक और समझ आ गई कि डिग्री से डॉक्टर नहीं बनने वाला, लाइसेंस का इम्तिहान देना है। उन्होंने साफ सीधा मुझसे पूछा, उन्होंने कहा जी बात सुनिए, हम आपने कह दिया आपने, हम मर्जी से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हम 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करके उसमें अप्लाई करें, अगर हमें एडमिशन ना मिली क्या आप हमें फोर्सबली किसी और कॉलेज में भेजेंगे? मैंने कहा नहीं, आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा जी बिकॉज हम फिर 60 लाख रुपए नहीं खर्च करना चाहते, हम अगले साल फिर ट्राई कर लेंगे। मैंने कहा जी सो बिस्मिल्लाह आप ट्राई कर लीजिए। देखिए
हमने बच्चों को इजाजत दे दी, उनके माँ बाप को इजाजत दी है। आप लोग फैसला करें, आपने खर्चा करना है कि आप उस कॉलेज में जाइए जो आपके हिसाब से सही हो, उस क्वालिटी का हो कि वो आपको 5 साल में तैयार कर दे लाइसेंस लेने के लिए, नंबर एक। दूसरी तरफ से जो 20% नंबर डाले गए वो तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है जी। अगले साल से तो बाकायदा ये उन्होंने खुद ही करना था कॉलेजेस ने, इस साल तो ये एटलीस्ट कंट्रोल लगा दिया कि 80% का जो मेरिट है वो हम एक वक्त में डिस्क्लोज कर देंगे ताकि सारे बच्चों को 50 कॉलेजेस में फिरना ना पड़े इंटरव्यूज वगैरह के लिए, एक जगह होना पड़े, ठीक है। सो इस साल के लिए अगले साल उन्होंने खुद, मगर फर्क यह कि अगले साल इनको जनवरी फरवरी में सारे कॉलेजेस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना क्राइटेरिया, बच्चे सिलेक्ट करें। देखिए होता क्या है दुनिया भर में, और यहां भी यही होने वाला है, और बाकी आपके हर सब्जेक्ट में हो रहा है इस वक्त, बच्चों ने फैसला करना है कि वो किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। हो सकते हैं कि कुछ कॉलेजेस हों उसमें सारे बच्चे ना जाएं, सीटें खाली रह जाएंगी। तो हमने तो बड़ा क्लियर कह दिया ना कि जी सीटें भरने का कोई निज़ाम नहीं है, जब एडमिशन क्लोज एडमिशन क्लोज, उसके बाद सिर्फ ट्रांसफर्स हो सकते हैं अमंग्स कॉलेज। यानी मैं, मेरी एडमिशन हो गई है लाहौर में, मैं जाना चाह रहा हूँ कराची में, मैं अंडर द यूनिवर्सिटी रूल्स ट्रांसफर करा सकता हूँ। सो ये तो हमने लगा दी रिस्ट्रिक्शन, अब बच्चों की मर्जी है ना, बच्चे ने पैसा देना है प्राइवेट कॉलेज के लिए, फैसला करें वो कि किस कॉलेज में जाना चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से वो एजुकेट करेंगे। इससे ज़्यादा तो वो 20% मार्क्स आई थिंक इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला मेरिट में, वो सामने बात आ जाएगी। दूसरी ख्याल रखिएगा कि एमडी कैट का रिजल्ट भी आ गया और 80% का भी मेरिट होगा। सो अगर उनकी मेरिट लिस्ट हम छाप रहे हैं 80% वाली, तो अगर एक बच्चा था 5 नंबर पे मेरिट पे और पता चलता है बाद में वो कॉलेज ने, बाय द वे जब कॉलेज एडमिट कर लेगा 100, उसने वो डिक्लेयर करनी है और हमें भी भेजनी है। तो अगर एक बच्चा था 912वें नंबर पे और वो एडमिट हो गया और 5वां नंबर गायब हो गया है, तो सवाल तो बहुत आसानी से पूछा जा सकता है कि आपने किया क्या था। तो इतना आसान काम नहीं है, जो वो पुरानी बातें हैं वो मुश्किल हो जाएंगी अब थोड़ी। जी आपका एक सवाल था। कंप्यूटर शायद मैं थोड़ा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि जब मैं एक गलती भी देखता हूँ तो मेरे जहन में तो ये चीज सवाल उठेगा हमेशा कि जी कोई और भी हो सकती है, इंसान है, और कंप्यूटर भी कंप्यूटर है, इंसान कंप्यूटर बनाने वाला भी इंसान है, ठीक है। तो गलती जब हमने करनी थी, 121,000 बच्चों ने इम्तिहान दिया हुआ है, आईड रादर हैव अ सिचुएशन जहां किसी बच्चे को ये सवाल ना उठे कि ये गलत है, तो सारा वेरीफाई करवा लिया, क्या फर्क पड़ गया। 36 घंटे मैंने लोगों को जगाए रखा है श्योर, और इसलिए मैं आज जिस कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूं ना कि रिकाउंट मैंने फ्री कर दिया है, आए करवा लें रिकाउंट, तो ये फर्क। थैंक यू वेरी मच। ये आपका सर, ये आपका जी, मेरे सरमद साहब को मैं आपको मिला देता हूँ। सरमद साहब कहाँ हैं? बुला।